अगर आपको सिंपल वाले लच्छेदार पराठे की रेसिपी देखनी है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें मसालेदार लच्छेदार पराठे भी पाए हुए हैं और सिंपल तरीके से लच्छेदार पराठे, वो भी आपको मिल जाएंगे। चैनल पर जाकर रेसिपी को लीजिए दोस्तों और अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर हम लेंगे प्याज और हरी मिर्ची को, आप अपने हिसाब से लीजिएगा दोस्तों, जो आपको वेजिटेबल अच्छा लगे वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगी पनीर, पनीर आप अगर बाज़ार से आपको ना मिले तो घर पर ही बनाकर रेडी कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं बनाना आता पनीर तो हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी दोस्तों पनीर। यहाँ पर हम डालेंगे पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर दोस्तों, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पनीर प्याज और मसाले को। बहुत ही टेस्टीदार बनते हैं दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने दोस्तों मैदे की लोई ले ली है और इसे हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप इन्हें जितना भी पतला कर सकते हैं उतना कीजिएगा, जितनी आपकी बड़ी और पतली रोटी की शीट होगी उतने आपके लच्छे अच्छी तरह से आएंगे दोस्तों। इसे अच्छी तरह से बेलते जाइए, बड़ी सी आपने रोटी बेल के रेडी कर लेनी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारी रोटी बेलकर रेडी है। आइए अब इनमें घी लगाकर रेडी कर लेते हैं। घी दोस्तों आप अच्छी तरह से लगाइएगा, जितना आप घी लगाएंगे उतनी आपकी रोटी अच्छी बनेगी और इसके जो परत है वो अच्छी तरह से निकल कर आएंगे। ये देखिए, हाथ से लगा सकते हैं, नहीं तो आप बुरश ले लीजिए उससे लगा लीजिए, नहीं तो आप चम्मच से लगा सकते हैं दोस्तों, जो आपको ईजी लगे उससे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी किनारों पर घी लगाकर रेडी कर लिया। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमने स्टफिंग अच्छी तरह से भर ली। आपने सारे साइड पर दोस्तों स्टफिंग को जरूर लगाना, कोई भी साइड आपका ऐसा ना रह जाए। ये देखिए, अब हम इन्हें नए तरीके से आपको लच्छे डालना सिखाएंगे आज हम। अब इन्हें हम पिज्जा कटर के साथ दोस्तों काटेंगे। अगर आपके पास पिज्जा कटर ना हो तो आप कर्द से भी, चाकू जिसे हम कहते हैं सब्जी काटते हैं, उससे भी आप इसे काट सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, नए तरीके से आपको सिखाएंगे। आई होप आपने कभी ऐसे तरीका देखा होगा दोस्तों। अब हम इसे एक एक साइड लेकर इसे रोल करेंगे। आपने स्टफिंग भर कर ही रोल करना दोस्तों, उससे पहले नहीं। इस तरह से अगर आपकी जो वेजिटेबल बाहर निकले तो कोई घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, इस तरीके से आप अंदर तक कर दीजिए। अब हम दो साइड, जो छोटे वाले साइड है वो लेंगे सबसे पहले। ये देखिए, अब हम इधर से रोल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपकी वेजिटेबल है इस तरीके से अंदर करते जाइए। बहुत ही आसान आपको मैंने बताया दोस्तों। और जो ये रोल है दोस्तों, अब हम ऊपर से इस तरीके से बांध देंगे ताकि जो हमारी
लच्छेदार पराठे की रोल होगी वो बाहर नहीं निकलेगी दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से इसे हम सपोर्ट दे देंगे, ये लीजिए। अब हम इन्हें बेल कर रेडी कर लेंगे इस तरीके से, हाथ से ही बेलेंगे दोस्तों। अब हम इन्हें बेल कर थोड़ा रेडी करेंगे दोस्तों। धीरे हाथ से आपने इन्हें बेलना दोस्तों। आपने छोटे साइज तक हाथ से इस तरह से करना, उसके बाद आपने बेलन से धीरे धीरे इन्हें बेलते जाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे लच्छेदार पराठा रेडी है। आइए अब इन्हें सेक लेते हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम घी लगाते जाएंगे इस तरीके से साइड साइड से। ये देखिए दोस्तों कितने ढेर सारे लच्छे हमारे निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सभी तरफ से हमारे लच्छे, ये देखिए। आइए अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी और कुरकुरी टेस्टी दार हमारी लच्छेदार पराठे की स्टफिंग पनीर वाली रेडी है। ये लीजिए दोस्तों हमारी परफेक्ट पनीर के लच्छेदार नई तकनीक के साथ हमने आपके साथ शेयर की दोस्तों। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो, अगर ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों मैं आपसे गारंटी देती हूँ कि ये पराठे खाने के बाद आप आलू के पराठे खाना भूल जाएंगे दोस्तों, इतना टेस्टी बनता है ये। एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्थी रहिए, बेस्ट रहिए।